दोस्तों देखो, ये बर्तन में चाशनी बन रहा है। एक किलो चीनी है, इसमें 2 कप पानी है चाशनी बनाने के लिए। ये देखो गुलाब जामुन का पाउडर है, इंडिया का पाउडर है, हम लोग सऊदी में हैं दोस्तों। तो आज गुलाब जामुन बन रहा है। देखो ये अभी इसमें दूध डाल रहे हैं, दूध डाल के इसको आट गुनेंगे। खोआ है ये, अभी इसको गुना जाएगा जैसे हम लोग रोटी का आटा सानते हैं। देखो दोस्तों गुना जा रहा है, तेल का मोरन दिया इसमें, ये दूध डाले हैं। देखो दोस्तों हमारा चाशनी तैयार है। अभी देखो इसमें इलायची का पाउडर डाल रहा हूँ, कूटा हूँ। हमारा गुलाब जामुन बहुत टेस्टी बनने वाला है। ये देखो कढ़ाई चढ़ गया है, इसमें तेल डाल दिया, वो गोली बन रहा है। दोस्तों देखो तेल हमारा मीडियम में गर्म हो गया, अभी इसमें गोली डालेंगे, गोली बना के रखे हैं। ये आटा ज़्यादा टाइट भी मत सानो, ज़्यादा नरम भी मत सानो, सानो मीडियम में। अभी देखो हमारा गोली तेल में पक गया है, पड़ गया है, अभी धीरे धीरे पकेगा। देखो दोस्तों हो गया है, अभी इसको सीढ़े में डालेंगे चाशनी में। देखो दोस्तों हमारा गुलाब जामुन हल्का हल्का ब्राउन हो गया है, इसको तेल में छान रहे हैं। कभी भी पकाओ गुलाब जामुन या कोई भी स्वीट बनाओ, मीडियम आंच करके बनाओ, बेहतर है। फास रहेगा, गैस फास रहेगा तो बाद में जल जाएगा दोस्तों, मीडियम करके बनाओगे तो बहुत अच्छा बनेगा।
बस निकाले। दोस्तों हमारा गुलाब जामुन हो गया है, तेल में फ्राई हो गए हैं, अब इसको चाशनी में डुबाएंगे। देखो दोस्तों अभी इसको निकाल के चाशनी में डाल लेंगे। गया देखो, खाली हो गया हमारा गुलाब जामुन रेडी है। इसको चाशनी में डुबा दिए हैं। देखो दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है, देखो। Okay.